नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम फर्टिलाइजर रिलेटेड स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे। दीपक फर्टिलाइजर, GSSC और चंबल फर्टिलाइजर, तो इन स्टॉक्स में आज काफ़ी अच्छी हमें राइज देखने को मिली थी। तो हम देखेंगे कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में क्या न्यूज़ चल रही है और चार्ट के माध्यम से इनका एनालिसिस करेंगे। तो इस पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स देते हैं। साथ ही दोस्तों, मार्केट की इन्वेस्टमेंट रिस्क के अधीन होती है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। और हमारी वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी जो न्यूज़ आई है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फॉर PNK फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पे देखिए 14,000 करोड़ तक की सब्सिडी इन्होंने DAP फर्टिलाइजर्स के लिए आज अप्रूव की है, और ये मार्केट आवर्स में ही हुआ था, करीब 1 बजे के आसपास। उसकी वजह से सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एकदम आग लग गई थी। दीपक फर्टिलाइजर्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसने बहुत अच्छी राइज दिखाई और 51% ये भागा है, देखिए पिछले 6 दिनों में। ये 14 जून की न्यूज़ है। अगर मैं चार्ट पे दीपक फर्टिलाइजर को दोस्त एनालाइज करूं, तो ये देखिए क्या गजब की इसने तेजी दिखाई है। अब इस स्टॉक में अगर आप घुसना चाहते हैं तो आपकी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों, मैंने इसका 3 मंथ का चार्ट खोला है, तो अगर आप इसमें चाहते हैं, यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे अपना बॉटम ये बनाया है, तो आप 420 रुपये के स्टॉप लॉस के संग इसमें पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट्स के लिए देखिए अब इसको क्या रेजिस्टेंस मिल रहा है वो देख लेते हैं। तो चार यहाँ ऑल टाइम हाई के ही आसपास चल रहा है, तो आप यहाँ पे इसमें जो टारगेट रखिएगा वो 470 और फिर 500 रुपये तक के टारगेट्स के लिए एम कर सकते हैं हम इसमें। तो इस स्टॉक को दोस्तों अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो मेरा मानना है थोड़ा सा ब्रेकआउट हो जाए तब खरीदिएगा, तो बाई अबव 460 करिएगा, स्टॉप लॉस 420 अगर आप रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं, वरना 440 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। टारगेट्स दोस्तों जो हमारे इसमें रहेंगे, वो पहला टारगेट तो 480 का है, जो कि ईजिली अचीव होना चाहिए, उसके बाद फिर 500 और 550 तक के टारगेट्स के लिए हम इसमें एम करेंगे। अगर दोस्तों मैं चंबल फर्टिलाइजर की बात करूं, तो ये स्टॉक भी एकदम अपने देखिए ब्रेकआउट एरिया में है। अगर मैं यहाँ पे देखिए दोस्तों एक ट्रेंड लाइन बना दूं, तो ये देखिए ये स्टॉक एकदम अपने ब्रेकआउट में है। तो इस स्टॉक को आप 310 रुपये के ऊपर खरीदिएगा, स्टॉप लॉस ये वाली जो कैंडल है इसके मिड में लगाइएगा, तो यहाँ वाला जो एरिया है ये 300 के थोड़ा नीचे, तो 299 का स्टॉप लॉस रखिएगा। और टारगेट्स के लिए एक बार हम इसका 5 ईयर का चार्ट भी मैं देखना पसंद करूंगा, तो ये देखिए ऑलरेडी अपने 5 ईयर हाई पे है, तो एज सच कोई खास इसके पास रेजिस्टेंस नहीं है, तो 310 के ऊपर ये अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाएगा। तो इस स्टॉक को दोस्तों आप बाई अबव 310 करिएगा, स्टॉप लॉस आपको 300 रुपये से नीचे रखना है, तो 298 के अराउंड 299 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा। और क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है अब, तो फिबोनाकी और वो सारे अगर मैं रेजिस्टेंसेस को यूज़ करूँ, तो जिसके टारगेट्स रहेंगे वो 300, 350 और 375 तक के टारगेट्स को आप अगले 6 महीने में एम कर सकते हैं। GSFC की मैं बात करूं दोस्तों, तो GSFC को पिछले हफ्ते यस सिक्योरिटीज़ ने 127 रुपये का टारगेट दिया था, और अभी ये काफ़ी उसके पास आ चुका है। चार्ट के माध्यम से मैं देखूं दोस्तों, तो यहाँ पे ये देखिए ये वाले एरिया पे वो पहुँचा था 120-125 तक, फिर वहाँ से डाउनफॉल होकर 105 रुपये तक आ गया था, और फिर अब ये राइज दिखा रहा है। तो इस स्टॉक को भी दोस्तों जब ये आज का जो हाई था उसको तोड़ ले, तो 124 रुपये के ऊपर आप खरीदिएगा टारगेट्स के लिए। और इसके देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ये एरिया इसके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये देखिए। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखेंगे, तो आप इस स्टॉक को 124 के ऊपर खरीदिए, टारगेट हमारे रहेंगे 140 और 160 के। और आपको जो स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा दोस्तों इसमें, वो यहाँ पे अगर आप लगाएंगे तो सही रहेगा, 114 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइएगा इसमें। तो इस स्टॉक को दोस्तों आप बाई अबव 124 करिएगा, ताकि ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए। टारगेट्स जो हमारे रहेंगे वो 140 और 160 के रहेंगे, और स्टॉप लॉस लगाइएगा 114 रुपये के आसपास। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो फिर 118 रुपये का भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस इन तीनों स्टॉक्स को लेके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बनेगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।